बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं। सर, राहुल गांधी लगातार गुजरात में प्रचार की मुद्रा में हैं और प्रधानमंत्री पर भी निशाना साध रहे हैं, अब शेर व शायरी कर रहे हैं ट्विटर के जरिए, कैसे देखते हैं आप? देखिए राहुल जी, मैं गुजरात के चुनाव प्रचार के दौरान कुछ परिवर्तन तो देखा है। उत्तर प्रदेश में वो गोल टोपी लगा के घूमते थे, गुजरात में जा रहे हैं तो हर मंदिर में जा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, कहीं पे जय श्री कृष्ण बोल रहे हैं, कहीं पे जय सियाराम बोल रहे हैं। वो शेयर कर रहे थे तो मुझे भी एक शेर याद आ गया कि डर डर के काटी हमने तमाम रातें, जिस गली से गुजरे तेरे नाम का शोर था। तो जिस गली से जाते हैं वहाँ मोदी जी का शोर उनको दिखाई देता है। तो इस घबराहट में घूमते रहे गुजरात में, पर हार बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है उन्हें। फारूक अब्दुल्ला लगातार इस तरीके की बातें करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में बात की थी, आज उन्होंने एक बार फिर से चुनौती दी और एक तरह से कहा कि पाकिस्तान में तो दूर आप लाल चौक पर झंडा लहरा करके दिखाइए, तिरंगा लहरा कर दिखाइए। देखिए, लाल चौक पे पहले भी झंडा फहराया है, डॉक्टर मुरलीधर जोशी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने झंडा फहराया और हर साल वहाँ पर फहराते हैं, आज भी फहराया, कल भी फहराएंगे। पर सवाल यह है कि जिस प्रकार की मिस्टर अब्दुल्ला की मानसिकता है, उस पर मुझे ज़रूर चिंता सता रही है कि एक लोकसभा का सदस्य यदि देश के बारे में इस प्रकार के बयानबाजी करे तो या तो उनका मानसिक दिवालियापन है या उनका देश के विरोध में काम करने की इच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे तो इवांका ट्रंप को न्योता दे करके आए थे, जो ट्रंप साहब की डॉटर हैं, और वो इंडिया आई हुई हैं इन दिनों। आप कैसे देखते हैं कि इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में कितना फ़र्क पड़ेगा? वो देखिए, उनके साथ काफ़ी इन्वेस्टर भी आए हैं। मुझे लगता है कि जो मोदी जी का सपना है न्यू इंडिया का, वो इसी प्रकार साकार होगा जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, डिजिटलाइजेशन होगा। इस दिशा में अमेरिका का भारत के प्रति जो रुख है वो बहुत साफ स्पष्ट दिखाई देता है। मैं समझता हूँ कि ये मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विदेश नीति की भी एक सफलता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कैलाश विजयवर्की जी, कैमरा पर्सन संजीत के साथ अंबुज पांडे, एपीएन न्यूज़ दिल्ली।